सरकार ने इंदिरा आवास योजना चलाई है ताकि गरीब परिवारों को भी पक्का आवास मिल सके, परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के धरसौना निवासी राधिका सहित कुल 5 परिवारों का अभी तक पक्का आवास ना बनने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या तो यह बाकी पानी बरसाला ठेकान, खाना बनाओ ठेकान ना रह जाला। आपका बीपीएल सूची में नाम है? हाँ। तो आपको घर ना होने से कितनी समस्या होती है? बहुत तकलीफ होती बा, का करें। तो दूसरे घर में सुतत है। ये लोगन आ जाता जगह ना। अब मिल जाता बढ़िया बा, बनवा ले। हमारा ही समस्या है, पढ़ना पैसा ले लिया, हमारा 5000 दिए थे उनको, वो अभी नहीं मिला। वो 5000 क्यों दिए थे आप? वो आवास के लिए दिए थे हम। उन्होंने मांगा था या आपने से खुद ले जाकर? क्या कहें, वो कहें कि हम तुमको इंदिरा आवास देंगे हम। हाँ। तो उसमें 1 लाख कुछ रुपया आता। हाँ। वो भी नहीं मिला, हमारा पैसा भी लेकर खा गए। तो इसके लिए आपने किसी को शिकायत की? फिर एक बार सेक्रेटरी के पास गए थे हम, उन्होंने बोला कि आवास तुम्हारा प्रधान जी के फंड है, प्रधान जी जाओ समझो, प्रधान जी के पास किया है, तब फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा बिल्कुल सूची नहीं है। नहीं, तो आपने क्या कहा? तो मैंने कहा कि प्रधान जी अगर आवास नहीं मिलेगा हमको पैसा दे दो। हाँ। तो वो उनको बस 1600 रुपये बस उनको दिया था। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग चोलापुर के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454771979 पे कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी परेशानियाँ कम हो सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।